कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल 2024-25 के 16,877 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। अरकान ने नो नो के नारे लगाए। कौमी असम्बली में बजट 2024-25 की मंजूरी के अमल के दौरान पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट डेवी में कमी की तरामीम वापस ले ली, जबकि अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक। अपोजिशन ने बजट को IMF का तैयार करदा और अवाम दुश्मन करार देते हुए मुखालफत की। इस दौरान 170 अरकान असम्बली ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी के खिलाफ वोट दे दिया, जबकि 84 अरकान ने लेवी में कमी की हिमायत की। इस तरह पेट्रोलियम लेवी में कमी की अपोजिशन की तरामीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। नए माली साल का बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशत गर्दी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद एतराफ किया कि ये बजट IMF से मिलकर बनाया गया। मैंने कहा था कि ये बजट हट मैन से बनाया गया है, ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशत गर्दी है। उन्होंने कहा कि ये कबीना है या सर्कस, पहले गंदम बाहर से लाए, अब वही गंदम बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। उनको मईशत की बुनियाद का नहीं पता, तेल आटे और डॉलर की कीमतें बढ़ेंगी। सनअतों के खिलाफ बजट से इक्तिसादी तरक्की नहीं हो सकती। निजकारी करने वाले इदारों को कर्ज क्यों दिया जा रहा है? 30 अरब की निजकारी रखी है, निजकारी के बाकी प्रोग्राम कहाँ गए? कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से सरमाकारी नहीं हो रही। अकल के अंधे हैं जो कह रहे हैं कि अफराती जर कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तोहीन अदालत केस में MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल और सेनेटर फैसल वाडा की माफी कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल करते हुए दोनों के खिलाफ तोहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा को रोस्टम पर बुला लिया और उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और उम्मीद है कि आप भी हमारी इज्जत करेंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना था कि एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा। पार्लियामेंट में आर्टिकल 66 से आपको तहफ्फुज़ है, बाहर गुफ्तगु करने से आपको आर्टिकल 66 में असर नहीं होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप लोगों की गैर मशरूत माफी कबूल करते हैं, आइंदा इस मामले में जरा एहतियात करें। पंजाब असम्बली का ऐवान आज दिन भर अपोजिशन की हंगामा आराई के बायस मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा, जिसके बायस बजट मंजूरी मौखर कर दी गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन की जानिब से खूब हंगामा आराई की गई। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज के खिताब के दौरान भी अपोजिशन ने शोर शराबा बर्पा किए रखा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन की हंगामा आराई के बायस बजट इजलास हफ्ते की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करते हुए कहा कि मैंने हाउस को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश की, अगली मरतबा हाउस को इन ऑर्डर चलाने के लिए अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। इधर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास के दौरान हंगामा आराई करने वाले 11 अपोजिशन अरकान की रुकनियत 15 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफर
कैबिनेट में बानी पीटीआई इमरान खान की जमानत मंसूख की गई है। सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जमानत देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौके पर क्या किया गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकाइक को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया जाए। मुल्की मईशत में एफबीआर का कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर पर अहम इजलास से खिताब। कहा, मुल्की मईशत में एफबीआर का कलीदी किरदार है। हमें मिलजुल कर मुल्की तरक्की के लिए काम करना है। एफबीआर के मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस के हवाले से बेहतरीन वुकला की खदमात हासिल की जाएं। एफबीआर में जारी इस्लाहात और महसूलात के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत खुद करूंगा। टैक्स से मुतालिक मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए इन ग्रैंड रेवेन्यू अपीट ट्रिब्यूनल्स के साथ कस्टम्स अपीट ट्रिब्यूनल का कायम भी अमल में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एफबीआर की अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के लिए एजाज देने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देने की भी हिदायत की। लाहौर हाईकोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक और बड़ा हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अनवार हुसैन ने इलेक्शन पिटीशन पर समाप्त करते हुए अताउल्ला तारर और इलेक्शन कमीशन को रीजनल फॉर्म 47, 45 और 48 जमा करवाने का हुक्म दे दिया। ट्रिब्यूनल ने लीगी रहनुमा को 22 जुलाई तक फॉर्म 45, 47, 48 जमा करवाने का हुक्म जारी किया, जबकि अदालत ने अताउल्ला तारर से बयान हल्फी भी तलब कर लिया। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को भी फॉर्म 45, 48, 47 और मुतालिका दस्तावेजात बयान हल्फी के साथ जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से रकम जुलाई 2024 से अगले 15 रोज तक पेट्रोल की कीमत में 7.54 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.84 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। वजारत तवानाई के हुकाम ने डी न्यूज को बताया कि अगर रकम जुलाई 2024 से 5 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी शामिल की जाए तो फिर मोटर स्पिरिट की कीमत में 12.58 रुपए और डीजल की कीमत में 14.84 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2025 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम लेवी को मौजूद 60 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपए करने का ऐलान किया है। तहम हुकूमत वक्फे वक्फे से 20 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करेगी। वफाकी वज़ीरे दाखला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशस्त से नाअहल करार देने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की है, जिसमें वफाकी हुकूमत वजारत दाखला पीसीबी और मोहसिन नकवी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौकफ है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। सेनेट की नशस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन थे। आईन के आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाईकोर्ट मोहसिन नकवी को सेनेटर के ओहदे से हटाए।
की दारुलहुकूमत नई दिल्ली में मुसलसल बारिश ने 88 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश के बाद निजामे जिंदगी दरहम बरहम हो गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी जबकि कई परवाजें मंसूख हो गईं। नई दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दारुलहुकूमत में जून के महीने में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा बारिश में से एक है। नई दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। माहिरीन का कहना है कि 1936 में जून के महीने में 235 मिलीमीटर बारिश हुई थी और अब जून के एक दिन में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नई दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे की बारिश ने शहर की सड़कों को नदी नालियों में तब्दील कर दिया। गाड़ियां ट्रक सड़कों पर पानी के बायस फंस गए जिसकी वजह से शहरों को मुश्किल का सामना है। इक्तसादी राबता कमेटी ने पेंशन फंड के कयाम की मंजूरी दे दी जिसका इतलाक यकम जुलाई 2024 से होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ECC ने पेंशन फंड के कयाम की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक ECC ने यकम जुलाई 2024 से सरकारी मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी। मुसल्ला फौज के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इतलाक यकम जुलाई 2025 से होगा। ECC ने प्रिंसिपल सर्विस फंड को 11 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स वापस करने की मंजूरी दे दी जबकि वजारत रेलवे के ज़ेर इल्तवा वाजिबात के लिए भी 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। इक्तसादी राबता कमेटी ने FBR के गैर मुल्की मंसूबों के वाजिबात की अदायगी के लिए 4 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के ग्रांट मंजूर कर ली। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरों का पारा हाई हो गया। गर्मी के सताए आवाम सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करते हुए कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कोयटा पंजाब कौमी शाहराह, कोयटा KP के कौमी शाहराह कला सैफुल्ला के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। नोशी, मंगचर, मस्तूम, कला सैफुल्ला में भी जमींदारों ने एहतजाज करते हुए कौमी शाहराहों को ब्लॉक कर दिया। जमींदार एक्शन कमेटी का कहना है कि बिजली की अदम फरामी के बायस हमारी फसलें तबाह हो गई। बाबरा वाले होश के नाखून ले, हमारे आखिरी इकदाम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। तो दूसरी जानब पंजाब के शहर गुजरावाला में जमात इस्लामी की जानब से बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लावा में बाप बेटे समेत 3 अफराद को दरीना दुश्मनी पर कत्ल कर दिया गया। मकतूलैन में नूर खान, रिफाकत और मौसिन शामिल। मकतूलैन घर से अदालत पेशी पर जा रहे थे कि घात लगाए नामालूम अफराद ने पारी कर दी। मकतूलैन नूर खान और रिफाकत बाप बेटा हैं जबकि मौसिन उनका करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। कार ड्राइवर वकास भी पारिंग से शदीद जख्मी हो गया। एक साल कबल मकतूलैन पर मोहम्मद अशरफ को लावा में कत्ल करने का इल्जाम था। रिफाकत और नूर खान जमानत पर जा रहे थे जबकि उनके साथी 2 मुलजमान अभी तक जेल में हैं। कबल अजीब भी नूर खान और रिफाकत पर एक बार कातिलाना हमला हुआ जिसमें दोनों बाप बेटा महफूज रहे।